स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आंगनबाड़ी की सच्ची खबरों में कहना चाहूंगा, यहाँ पे 12 सितंबर को आपका धरना होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो आइए देख लेते हैं कुछ जरूरी बातें और बहनों की आवाज़। बहनों का जो कार्यक्रम चलता है वो आपका दूसरे चैनल पर चलता है, टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी के नाम से, हमारा ही चैनल सुधांशु पटेल का। वहां पर आप सभी बहनों के कार्यक्रम और बहनों की आवाज़ चलाई जाती है। तो जो भी बहनें अपनी आवाज़ को भेजना चाहती हैं चैनल के माध्यम से, चैनल पर दिखाने के लिए, तो वो हमें व्हाट्सएप करके अपनी चीज़ों को भेज सकती हैं। वहीं पर कहना चाहूँगा, यहाँ पे 12 सितंबर 2019 को वाराणसी में आपका धरना होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में बहनों का। तो जो भी बहनें वाराणसी से हैं उनके लिए ये खास खबर है कि आप सब बहनें अपने हक के लिए मैदान में जरूर आएँ, क्योंकि बिना लड़े कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे कहना चाहूँगा, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की तरफ से। बाबूलाल मौर्य जी की तस्वीर आप यहाँ पे आप सब लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी परिचित हैं। एक साल पहले भी जब धरने हो रहे थे तो एक अहम भूमिका निभाई थी भाई ने। और कहना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ जैसा कि आप देख रहे हैं कि शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिलाने एवं मानदेय बढ़वाने के साथ पदोन्नति में भी 50 वर्ष की जो आयु सीमा है उसकी बाध्यता को समाप्त कराने जैसे आदि जो मांगों को लेकर आप सभी प्रयासरत हैं बहने। तो प्रयास छोटा हो या बड़ा हो मायने नहीं रखता उनका कहना है, मगर प्रयास बंद नहीं होना चाहिए। बंद हो जाएगा अगर तो फिर चांस खत्म हो जाते हैं। अब खुद से सोचिए, अगर हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, मान लीजिए हमें एक कितनी दूर का दिखाई देता है, खुद से सोचिए। अगर इंसान ऐसे ही देख रहा है अपने आंखों से तो उसे बहुत बहुत जो है थोड़ी दूर का दिखेगा, मान लीजिए आधा किलोमीटर दिख गया। हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर दूर का आपको दिख रहा है, उसके आगे का तो आपको नहीं दिख रहा है। तो उसके आगे का आपको कब दिखेगा? जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप वहां तक पहुंच जाएंगे, फिर उसके आगे का रास्ता उसके आगे दिखेगा। तो यानी कि बढ़ना बहुत जरूरी है, आगे चलते रहिए, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। सफलता एक बार में उनका कहना नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। उसके लिए हमारी डेली की मेहनत और छोटे छोटे प्रयास जरूरी होते हैं। आज आप देख रहे हैं ऑल इंडिया पर एक साल से बराबर आवाज लगाई जा रही शोषण के खिलाफ। जी हाँ, बहुत से लोग कह रहे होंगे इससे हासिल कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हासिल हुआ है उसे मैं समझ रहा हूँ, बहुत सी बहनें समझ रही हैं। आज आंगनबाड़ी बहनें जो बिल्कुल कोई भी खबर नहीं जानती थी, सच्चाई उन तक नहीं पहुँचती थी, आज वो सच्ची खबरों से वाकिफ हैं और उनकी आवाज़ भी लगाई जाती है। साथ ही साथ उनको बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे मान लीजिए फीडिंग का ही काम हो गया, पैसे कहाँ से आए, किसको देने हैं, किसका काम है, कौन कर रहा है, हर चीज़ें चैनल पर बताई जाती हैं। वो बात अलग है कि कुछ बहनें शोषण का शिकार हो रही हैं, वो आवाज़ लगाना नहीं जानती, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ दिखाई जाती है कि आप सबूत लेकर के आइए, चैनल पर आवाज़ लगाई जाएगी। तो ये कहना चाहूँगा कि प्रयास करिए, प्रयास इंसान जो भी अच्छी दिशा में करता है उसका फल ही अच्छा मिलता है। अब हमारा धरना होने वाला है उत्तर प्रदेश में बहनों को लेकर के, तो उम्मीद यही करता हूँ कि धरना जोर शोर से होना चाहिए, बहनें अपनी आवाज़ जोर शोर से उठाएं। यहाँ पे लिखा है, आओ एक बार पुनः अपनी मांगों को संजीवनी देते हुए सरकार को एहसास करते हैं, यानी कि कराते हैं कि समस्त जो आंगनबाड़ी बहनें हैं अपने संघर्ष को भूली नहीं है। इसी कड़ी में 12 सितंबर 2019 को वाराणसी के जो आपका वरुण पुल है, शास्त्री घाट पर समय 12:30 पर दोपहर में धरने का आयोजन है। तो वहां पे धरना होगा वाराणसी में, तो आप सभी बहनें वहां पे जा सकती हैं, जो शास्त्री घाट वगैरह है, वरुण पुल। तो कहना चाहूँगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका महत्वपूर्ण बैठक में एकत्र होकर पूरी ताकत से सरकार को अपने एक होने का जो है एहसास कराएं, क्योंकि बिना एकता के कुछ संभव नहीं है। अब वाराणसी में अगर धरना हो रहा है तो अगर वाराणसी की हर एक बहन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हकीकत तो आप देख ही रहे हैं। झारखंड रांची में धरना चल रहा है, आज 26 दिन हो चुके हैं धरने को लेकर के, और 26 दिन से बराबर बहनें जो है धरने पर बैठी हुई हैं। तो ये चीज़ें खुद सोचने वाली हैं और समझने वाली हैं आप सभी बहनों को। आज 27वां दिन है उनका, 26 दिन हो चुके हैं, तो 27 दिन से धरने पर बराबर बैठी हैं, वहीं उनकी रात कटती है, वहीं उनका दिन कटता है, वहीं दोपहर में भी धूप झेलती हैं, जब पानी बरसता है मान लीजिए कभी, तो वो बरसात में भीगती भी हैं। 27 दिन पूरे हो चुके, आज 27वां दिन शाम हो रही है, हो भी गया। तो खुद से सोचिए, बिना मेहनत और परिश्रम के कुछ नहीं मिलेगा। जो सोचते हैं कि घर में बैठ करके हम ये हासिल कर लेंगे, वो हासिल कर लेंगे, तो बहनों कुछ नहीं मिलेगा। सरकार सिर्फ आपसे काम लेगी और काम बढ़ाती चली जाएगी, उसके लिए निगरानी भी करती चली जाएगी और आपसे काम कराएगी। अगर आप इसके खिलाफ अलग अलग होकर के आवाज़ उठाएंगे, अकेली बहन कोई ब्लॉक पर बेचारी कुछ बोलेगी, आवाज़ उठाएगी, तो उसको तो उस बहन की सेवा समाप्ति की भी जो धमकियां देंगी सरकार और नोटिस भी जारी करेंगी। और अगर यदि हमारी सभी बहन आप सब एक होकर के ब्लॉकों पर चलेंगी अपनी एकता को बढ़ाते हुए और जानेंगी, सच्ची खबरों से भी वाकिफ होंगी, तो बहुत अच्छी बात होगी। आप जब भी किसी के साथ गलत होगा तो ब्लॉक पर सभी बहन यूनियन बन करके मैदान में आएंगी उस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं निवेदक हैं वाराणसी जनपद के समस्त ब्लॉक और परियोजनाओं की आंगनबाड़ी पदाधिकारी एवं आंगनबाड़ी कर्मचारीगण,
तो यहाँ पे नोट में भी पड़ा हुआ है कि अपने हक और अधिकार के लिए आगे आएं, किसी के बहकावे में ना आएं, तो अच्छी बात है। नीचे संपर्क सूत्र भी है भाई लोगों के यूनियन के। तो हमारे पास किसी बहन ने आज सुबह जो अपने कार्यक्रम भेजा था उन्होंने अपना, कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम वाला जो भी सिस्टम अपना चल रहा है, बहनों की आवाज़, बहनों के कार्यक्रम, तो वो आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी पर लगाए जाते हैं, ऑल इंडिया पर भी कुछ ना कुछ प्रसारण कर दिया जाता है। तो उसी में बहनों ने ये भी चीज़ें वहीं से भेजी हैं, वाराणसी से ही बहन थी और उन्होंने ये सब कुछ भेजा था। तो ये आप देख रहे हैं, बाबूलाल मौर्या जी जिलाध्यक्ष हैं, सीता रानी जो मिश्रा जी हैं तो वो संरक्षक हैं और साथ ही सभा परवीन महामंत्री हैं, और ये आंगनबाड़ी कर्मचारी एकता जिंदाबाद जो लिखा हुआ एसोसिएशन वाराणसी में है, तो उनकी तरफ से ये आपके लिए एक नोटिस था। वहीं पर कहना चाहूँगा वाराणसी से वही बहन ने भेजा जिन्होंने हमें ये भी जानकारी भेजी थी कि हेल्दी बेबी प्रश्नोत्तरी जो हुई थी उसमें गीता बहन जो है हमारी वो प्रथम आई हैं। तो आइए आपको बताते हैं, CDPO जो आपकी स्वाति पाठक थी वहाँ पर, उन्होंने बताया था कि इस दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई थी और जिसमें गीता सिंह प्रथम आई थी, पूनम बहन जो थी वो द्वितीय स्थान पर आई थी और आपकी सीमा बहन तृतीय स्थान पर रही हैं। इस दौरान जो है सैल सिंह, उर्मिला पटेल, संजू देवी, गीता सिंह और गीता देवी, चंद्रवती देवी सहित कई लोग और प्रमुख रूप से वहाँ पर मौजूद भी रहे थे। तो ये तो चीज़ें वहाँ की हो गई और बताया जा रहा था 5 बच्चों का मनाया गया था जन्मदिन, केले के पत्तों पर भोजन वगैरह भी कराए गए थे। फिलहाल के जो आयोजन होते हैं, जो केंद्रों पर सब कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, उन चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बहन ने हमें अपने वहाँ के केंद्र की जानकारी भेजी थी, अब यही चीज़ें हैं, ऐसे बहनें हर एक जगह से भेज रही हैं हमें अपने चैनल पर आवाज़ उठाने के लिए। ये एक कारण बताओ का नोटिस जारी किया गया है जिला कार्यक्रम जो अधिकारी हैं आपके लखीमपुर खीरी के, तो उनके लिए, और उनका वेतन भी रोक दिया गया है 1 माह का, क्योंकि सितंबर माह को पोषण के रूप में मनाना है, तो वहाँ पर ये चीज़ें फोटो वगैरह वहाँ की अपलोड नहीं हो रही हैं और विभाग के पास नहीं पहुँच रही हैं। इस वजह से उनके लिए जो है निदेशालय से एक कड़ा सख्त आदेश भी है और उनका जो मानदेय है वो भी रोक दिया गया है, कहना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अपलोड वगैरह फ़ोटो नहीं हो रही हैं अच्छे तरीके से, वहाँ पर जनपद की रैंकिंग उनकी गिर रही है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसी जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख लीजिए, जो क्योंकि राष्ट्रीय पोषण माह जो कार्यक्रम के शिथिलता बरतने के कारण आपका माह सितंबर 2019 का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित करते हुए जो है सभी चीज़ें कर दी गई हैं, तो उनका जिला कार्यक्रम अधिकारी का वेतन रोका गया है इसी क्षेत्र में। और ये सब क्यों होता है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ऊपर से आर्डर इन पर आते हैं, सबसे पहले आर्डर कौन मारता है, नेता लोग, यानी कि जो सत्ता में सरकार है वो दबाव बनाती है विभाग पर, फिर विभाग के जो बड़े अधिकारी होते हैं वो दबाव बनाते हैं अपने छोटे अधिकारियों पर, जैसे कि मान लीजिए डायरेक्टर जी अगर लेटर निकालेंगे तो किस पर दबाव बनाएंगे, आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी पर, जिला कार्यक्रम अधिकारी फिर अपने वहाँ के DPO CDPO को जो है उनके लिए दबाव बनाते हैं, उन पर जो है आरोप यही चीज़ें थोपते रहते हैं कि ऐसा काम जल्दी करो, आंगनबाड़ियों से काम कराओ। सबसे कुल मिलाकर के नीचे का जो तबका है वो आंगनबाड़ी का है, तो आंगनबाड़ी परेशान होती है क्योंकि आंगनबाड़ी को सुपरवाइजर परेशान करती है, सुपरवाइजर पर जो है निशाना बैठी होती है DPO का, वो लोग आफत करती हैं और DPO पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, उनके ऊपर भी वो है और उनके ऊपर भी सरकार, तो ये पूरा जो सिस्टम है ये सब कुछ चलाने के लिए सरकार अपना जो काम कर रही है, इसके लिए सरकार ही पैसा नहीं दे रही है, सरकार ही बजट नहीं दे रही है, लेकिन सरकार जो आपका फ्री में काम जरूर कराने के लिए पूरा जोर दे रही है। तो यहाँ पे जो आप कार्यक्रम मना रही हैं ये कोई विभागीय कार्यक्रम नहीं है, आप समाज सेवा के रूप में कार्य कर रही थी लेकिन आपसे काम तो हर एक तरह के लिए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इनको आप समझिए, जो ये लेटर मान लीजिए निकाला गया है इनका वेतन रोकने के लिए, इससे कुछ नहीं होगा, इनका वेतन इसीलिए रोका गया ताकि ये अपनी शक्ति दिखाएं अपने ज़िले में और अपने वहाँ की DPO CDPO उनके जरिए सुपरवाइजर के जरिए आंगनबाड़ियों का और जम करके काम उनसे ले सकें और उन पर काम जल्दी से जल्दी कराया जाए, थोपा जाए। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि जो कार्यक्रम बहने मना रही हैं उसमें समस्याएं भी आ रही हैं, फोटो भेजना ये सब कुछ करना, इसके लिए सरकार ना तो मोबाइल में चवन्नी डलवा रही है, फ़ोन तो पकड़ा दिया गया वो भी डिब्बा 4,000 का, और उसमें कुछ भी काम ढंग से हो नहीं रहा है, अब लोगों के फ़ोन हैंग कर रहे हैं, वो चल ही नहीं रहे हैं, अब बहने दूसरा फ़ोन खरीदें, अपने घर से पैसे ख़त्म करें, 200 का रिचार्ज कराएं, ये सभी चीज़ें चल रही हैं, जिनको लेकर भी जिला कार्यक्रम अधिकारी ही दबाव बना रहे हैं। निदेशक जी ने तो लेटर नहीं निकाला कि पैसा कब आएगा, अब पैसा आएगा भी नहीं आएगा ये तो भगवान ही जाने, आंगनबाड़ी का फ़ोन में रिचार्ज करने का, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पैसे आएंगे लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब कोई सूचना या लेटर नहीं विभाग ने जारी किया है और किस आधार पर ये लोग बस मुंह से बोल रहे हैं, मुंह से बोलने वाली चीज़ें कौन मानता है आज के ज़माने में, जब झारखंड में लिखित में समझौता नहीं माना गया तो ये चीज़ें कैसे मानी जाएंगी। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि बहनों पूरे देश में जो भी जितने भी
भी राज्य हैं, आप लोगों की जहाँ से भी खबरें आती हैं उनको समझा करें और डेली देखा करें। कारण यह है, वहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और उससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, बहनें कितनी जागरूक हैं, कहाँ कहाँ राज्यों में किस तरह से वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। और ऐसे आज उत्तर प्रदेश में धरना होने को है, तो आप लोग भी घरों में ना बैठें, अपने हक के लिए मैदान में जरूर आएँ। वहीं पर ये देखिए, पशु आहार गोदाम पर जो है SOG का छापा वगैरह लगा था, 150 बोरी पुष्टाहार वगैरह की वहाँ से बरामद हुई थी। ऐसे ही और भी एक लेटर था उत्तर प्रदेश से 4 सितंबर का, ये भी जारी किया गया था, इसमें भी यही चीज़ें बताई जा रही थी। जो फीडिंग है आपकी RS पोर्टल वगैरह पर वो चीज़ें नहीं हुई हैं, उसी के संबंध में ये लेटर था। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक अगला वीडियो जरूर लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।